सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ प्रोफेसर, सलोनी तुम भी यहाँ पहले से मौजूद हो? मैं बस ऐसे ही समझी, मेरी बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है। Well done, Professor. Thank you. Where's my drink? Right away. हमें तो पता ही नहीं था कि तुम ही आ जाओगी। Sweetheart, मेरे रेप केस में मेरी सहेली के बयान के वजह से मेरी माँ से जो मानहानि का 1 करोड़ रुपया हासिल किया गया है, उसमें मेरा भी तो हिस्सा होना चाहिए। हिस्सा? हिस्सा कैसा? ये सारा का सारा तुम्हारा ही तो है। She's right. Here's your drink. Thank you. मैंने कहा था ना यश, कि तुम्हारी माँ से कम 1 करोड़ रुपया तो मैं वसूल कर ही लूंगा। वाकई you're great professor. वरना उस जैसी शातिर औरत से 1 रुपया भी वसूल करना जैसे शेर के मुंह से शिकार छीनने जैसा है। जब तुमने उस दिन कहा था तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। ऐश्वर्या, अब हम यहां खुल के बात कर सकते हैं। सलोनी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, कह रही थी कि तुम्हें अपनी मां से बिल्कुल पैसे नहीं मिलते, और ये जो नशे की इंजेक्शंस तुम लेती हो उसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, करेक्ट? राइट। और सलोनी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसा प्लान है जिससे तुम मेरी माँ से कम 1 करोड़ रुपया हासिल कर सकते हो। हाँ ऐश्वर्या, मेरे पास ऐसा प्लान है। थोड़ी सी बदनामी होगी तुम्हारी, थोड़ी सलोनी की और थोड़ी मेरी भी, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, वो जल्द ही ये सारा किस्सा भूल जाएंगे। अगर तुम उन पैसों में से हमें हिस्सा दे सकती हो तो फिर हम ये काम करने को तैयार हैं। बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें 20% देने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे क्या करना। और उसके बाद वही हुआ जो हमने सोचा था, आखिरकार 1 करोड़ रुपया हमें मिल ही गया। वैसे प्रोफेसर ने थोड़ा सा और फोर्स किया होता था ना तो हमें रुपया 1 करोड़ से ज्यादा मिल सकता था। हाँ मिल तो सकता था सलोनी, लेकिन इससे बात बिगड़ जाती, और मैं नहीं चाह रहा था कि मामला फिर से कोर्ट में पहुंचे। और वैसे भी हमारा टारगेट 1 करोड़ का था जो हमें मिल गया। वैसे प्रोफेसर चेक कहाँ है, हम भी तो देखें। शो ऐश, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें हमारा हिस्सा कुछ कम है? क्या मतलब? देखो जितनी बदनामी तुम्हारी हुई है उतनी ही बदनामी हमारी हुई है। अदालत में झूठा बयान देने के जुर्म में मेरे ऊपर केस चल सकता है। ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि हम तीनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए? No way, sweetheart. ये सारे रुपए मेरे हैं, जो तुम लोगों ने मेरी माँ से हासिल किए हैं, तो उसकी असली हकदार मैं हूँ। इतने से काम के लिए 20% कोई कम रकम नहीं है। 10% तुम्हारा और उतना ही प्रोफेसर का। What?
लेकिन मैं तो समझ रही थी कि तुम 20-20% हमें दोगी और 60% अपने पास रखोगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सलोनी? इतनी मामूली सी एक्टिंग के लिए तुम्हें 20 लाख रुपए चाहिए? इसी मामूली सी एक्टिंग की वजह से तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिला है, ये मत भूलो मिस ऐश्वर्या धनपति। लेडीज काम डाउन, इस तरह आपस में उलझने का क्या फायदा? सलोनी ऐश्वर्या ठीक कह रही, पैसे इसी के हैं, ये हमें जितना देना चाहे हमें कबूल करना चाहिए। रुपयों का हिस्सा कब होगा? रुपये तो हमें कभी भी हासिल हो जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हमें मामला ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए। तो ठीक है, तब तक चेक मेरे पास रहेगा। एनी ऑब्जेक्शंस? ओके, श्योर, व्हाई नॉट। ऐश्वर्या जी, कहां से आ रही हूं? आपसे मतलब? मतलब है तुम्हारी गलती की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। अगर दोबारा तुमने कोई गलती करी तो याद रखो उसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। डोंट वरी, मैं कोई गलती नहीं करने वाली। इस लड़की के पर कुछ ज्यादा ही निकल रहे हैं, उसको काटने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर खान स्पीकिंग। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। आखिर बार बेचारे ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? जया पे सुसाइड नोट। मैं ना तो एक अच्छी स्टूडेंट बन सकी और ना ही एक अच्छी सहेली। मैंने पहले कानून को धोखा दिया और फिर अपनी सहेली को। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं जी नहीं सकती, इसलिए आत्महत्या कर रही हूं। सलोनी बेचारी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है। वो कैसे? कलसी, पिस्तौल इसके दाएं हाथ में है और गोली का निशान बाएं गनपट्टी पर। कोई अगर दाएं हाथ से गोली चलाएगा तो बाएं गनपट्टी पर गोली का निशान नहीं आ सकता। इसका मतलब किसी ने इसको गोली मारी और गलती से पिस्तौल दाएं हाथ में छोड़ दी। लेकिन सर, वो सुसाइड नोट? कलसी, ये सुसाइड नोट इसका लिखा हुआ नहीं है। जाहिर है कातिल ने सोचा होगा कि हम इस लेटर को चेक करने के झंझट में नहीं पड़ेंगे, इसे आत्महत्या समझकर केस क्लोज कर देंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस लेटर को चेक किए बगैर कि इसने नहीं लिखा है। वो कैसे सर? तुमने इस पेन पर ध्यान नहीं दिया, इसका इंक लीक हो रहा है और उस लड़की के हाथ पे कोई भी इनका निशान नहीं है। आओ मेरे साथ। यू आर राइट सर, इसकी उंगलियों पे तो इंक के निशान है ही नहीं। तो फिर इसका कत्ल किसने किया होगा? कल से इस पिस्तौल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिटाने की कोशिश की गई है, इसका मतलब कातिल वही है जिसकी पिस्तौल है। मुझे जल्द से जल्द इसके डिटेल्स चाहिए। हेलो जेट कुरियर्स जी, मैं मोहिनी खन्ना बोल रही हूँ। मैंने आपके वहां एक पार्सल भिजवाया है प्रोफेसर सिद्धांत के लिए।
मैं चाहती हूँ कि ये कुरियर कल शाम को पहुंचे। एक्चुअली कल उनका बर्थडे है ना, और ये सरप्राइज गिफ्ट है ना। सरप्राइज गिफ्ट पर नाम नहीं लिखा जाता। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कल से वो पिस्तौल की डिटेल्स निकाली? जी हाँ सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। पिस्तौल का रजिस्ट्रेशन नंबर घिसकर किसी ने मिटाने की कोशिश तो जरूर की थी, मगर वो उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब पिस्तौल पर रजिस्ट्रेशन नंबर अभी भी है। जी हाँ सर, और मैंने ये भी पता लगा लिया कि वह पिस्तौल किसके नाम पर रजिस्टर है। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे सर। चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं वो पिस्तौल किसके नाम पर है। वाओ, अब ये 1 करोड़ का चेक हमारा। इस वक्त दरअसल मैं आपसे ये पूछने आया था कि आप च्युइंगम खाएंगी? What? आप मुझे यह च्युइंगम ऑफर करने आए हैं? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, वैसे भी ये आखिरी च्युइंगम है। क्या बात है ऐश्वर्या जी, आप कुछ घबराई हुई लग रही हैं। आपकी कोई चीज गुम तो नहीं हो गई है? जी जी नहीं ऐश्वर्या जी। इस पिस्टल को पहचानती हैं? जी नहीं। ऐश्वर्या जी, इस पिस्टल को आप गौर से देखिए, हो सकता है ये आपसे गुम हो गई हो, या आपने यूं ही किसी को दे दियो, दिवाली गिफ्ट या कोई बर्थडे गिफ्ट, हो सकता है ना। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी पिस्टल है मेरे पास जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने बिस्तर के नीचे रखती हूँ। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जी श्योर। मैंने यही रखी थी, पता नहीं कहाँ चले गई। ऐश्वर्या जी, आपका मतलब है कि आपकी पिस्टल गुम हो गई है, या हो सकता है किसी ने चुरा ली हो? जी जी हाँ। मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। ऐश्वर्या जी, ये पिस्टल जो आपके सामने पड़ी है, ये आप ही की पिस्टल है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने घिसकर मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई, और उसी नंबर से हमें पता चला है कि पिस्टल आपकी है। लेकिन आपको ये कहां मिली? जाहिर सी बात है, ये हमें वहां मिली है जहां आप इसे भूल आई थी, आपकी सहेली सलोनी की लाश के पास। नहीं, नहीं, सलोनी नहीं मर सकती। सलोनी मरी नहीं है ऐश्वर्या जी, बल्कि उनका कत्ल किया गया है, और उनका कत्ल आपने किया है। What? आपका दिमाग तो ठीक है? मैं अपनी सहेली का कत्ल क्यों करूंगी? इंस्पेक्टर एमएच खान का दिमाग कितना ठीक है आपको अभी पता चल जाएगा। ऐश्वर्या जी, आपने अपनी सहेली का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसने अहम वक्त पर आपको धोखा दिया, उसके बताए हुए बयान ने आपके लगाए हुए इल्जाम को गलत साबित किया। ऐश्वर्या जी, आप जब जरा सी बेइज्जती पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती हैं, तो अपनी सहेली की इतनी बड़ी धोखेबाजी को बर्दाश्त कैसे कर सकती थी? इसलिए उसकी गद्दारी की सजा देने के लिए आपने अपनी सहेली का कत्ल किया, और उसके कत्ल को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। ये झूठ है, ये सब झूठ है। ये सच है, उसका सबूत है ये पिस्तौल। इंस्पेक्टर साहब, ये सब फ्रॉड है, ये मुझे फंसाने की कोशिश है। इंस्पेक्टर साहब, ये पिस्टल,
ये पिस्टल किसने वहाँ प्लांट की है मुझे फंसाने के लिए? ऐश्वर्या जी, सच बुलवाने के कहीं बेहतरीन तरीके हैं हमारे पास। हमारे इंटरोगेशन रूम में जब कोई मुजरिम आता है तो सब कुछ कबूल करके ही जाता है। और फिर आप तो एक नाजुक सी लड़की हैं, आप पर हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी ऐश्वर्या जी, मैं आपको आपकी सहेली सलोनी चौधरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। You have committed blunder, Inspector Khan. आप जानते हैं इससे हमारे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो रही है? तुमने उस लड़की को शूट नहीं करना चाहिए था। सर, मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, मैं मजबूर था। गोली चलानी थी तो उसके हाथ और पैर पे चलाते, उसके सीने में गोली मारने की क्या जरूरत थी? सर, मैं गोली उसके हाथ पे चलाना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से वो पलट गई और गोली उसके सीने पर लग गई। सर, मुझे अफसोस है मगर मैं अफसोस, अब अफसोस करने से क्या होगा? इंस्पेक्टर खान, एक ही साल में तुमने दूसरी बार सेल्फ डिफेंस में एक लड़की को गोली मारी है। पिछला मामला अभी भी गर्म है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तुम जानते नहीं सुषमा धनपति कितनी बड़ी हस्ती है और ऊपर से प्रेशर है। इंस्पेक्टर, यू आर सस्पेंडेड। थैंक यू सर। आखिर खेल खत्म हो ही गया। बड़ी सफाई से उस 1 करोड़ के दोनों हिस्सेदारों को मैंने बड़ी सफाई से खत्म कर दिया है। और ये रहा वो 1 करोड़ का चेक जो ऐश्वर्या तुमसे लेकर ली थी। एक बात है खान, तू है बड़ा कमीना, काम कर जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता। सवाल जब 1 करोड़ का हो तो चालाकी खुद ब खुद आ जाती है। और फिर वो तुम्हारी दोनों स्टूडेंट्स, वो भी कुछ कम चालाक नहीं थी, अगर मैं उन्हें खत्म नहीं करता तो तुम्हें रास्ते से हटा देती। सो तो है खान, जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है वो किसी को भी धोखा दे सकती है। लेकिन तू एक बात बता, किसी को तुझ पर शक तो नहीं? आज तक मुझ पर किसी को शक हुआ है? जवाब होगा। और वो बेचारी सलोनी, उसके घर जब उसका कत्ल करने गया था तो उसे भी कोई शक नहीं हुआ था मुझ पर। मिस सलोनी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त? सलोनी जी, एक्चुअली क्रिमिनल साइकोलॉजी कहती है कि जुर्म अक्सर रात को होते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो नहीं है लेकिन होने वाला है। क्या होने वाला है? तुम्हारा कत्ल। फिर मैंने सब इंस्पेक्टर कलसी को भी ये यकीन दिला दिया था कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है, और हथियारा वही है जिसकी वो पिस्तौल है। लेकिन खान, ऐश की पिस्तौल तेरे पास आई कैसे? अच्छे अच्छे शातिर चोरों को पकड़ा है मैंने, थोड़े बहुत गुर हमें भी आते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। वो बेचारी तो अपनी पिस्तौल देके घबराई गई थी,
अगर उसे मालूम होता कि वो पिस्टल लोडेड है तो वो मुझे भी शूट कर सकती थी। आई डोंट बिलीव दिस खान, तूने एक लोडेड पिस्टल उस लड़की के हाथ में दे दी। वो लोडेड पिस्टल उसके हाथ में थमाना बहुत जरूरी था, नहीं तो फिंगरप्रिंट्स कैसे मिलते। और सलोनी की मौत की खबर सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो समझी कि मैं सचमुच उसे गिरफ्तार करने आया हूं। आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। ठीक है ऐश्वर्या जी, अगर मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता तो आपको शूट तो कर सकता हूं। अब 1 करोड़ के सिर्फ 2 हिस्सेदार रह गए, तुम और मैं, यानी 50 लाख तुम्हारे और 50 लाख मेरे। अब ये बताओ कि आगे का इरादा क्या है, अब आगे क्या खान? एक नया शहर, एक नया कॉलेज, एक नई लड़की और एक नया गेम। तुम भी कोई कम कमीने नहीं हो। अब कौन आ गया? Excuse me. Yes. प्रोफेसर सिद्धांत, ये आपका पार्सल, यहां जरा साइन कर दीजिए। Thank you. क्या बात है? किसी जाने वाले ने तोहफा भेजा, नाम तक नहीं लिखा है क्या इसमें? खोल के देखते। Game is over.